क्विक मलपुरा आगरा, हम आपके साथ सच के साथ, अब नहीं छुपेगा कोई अपराध। नमस्कार मित्रों, मैं चोप सिंह सक्सेना, आप इस समय मेरे साथ देख रहे हैं चोरी दर चोरी, लगातार चोरी, एक के बाद एक चोरी। जी हाँ दोस्तों, थाना सदर के भाजपा कार्यकर्ता के घर हुई लाखों की चोरी। शहर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह अज्ञात चोरों ने अपना कहर बरपा रखा है और हर एक बार एक ही अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। घर में सदस्य होने के बावजूद भी अज्ञात चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 15 दिन में एक ही तरीके से चोरी की यह चौथी घटना है। अज्ञात चोरों ने थाना सदर के क्षेत्र के नाम निर्मित चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस बार अज्ञात चोरों ने भाजपा कार्यकर्ता के घर को निशाना बनाया और सोने चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। अज्ञात चोर की यह करतूत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अज्ञात चोर ने टार्च चलाकर रेकी करते हुए घरों में घुसने का प्रयास किया, लेकिन चोर यह प्रयास भाजपा कार्यकर्ता अरुण के घर घुसने में सफल हो गया। चोर का यह कारनामा साफ तौर से सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसमें चोर साफ दिखाई दे रहा है। चोर कितना सातर है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिस कमरे में पीड़ित परिवार सो रहा था, चोर ने बेखौफ होकर तिजोरी तोड़ी और लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गया। पीड़ित अरुण भाजपा आईटी सेल का कार्यकर्ता है। पीड़ित ने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों के सो जाने के दौरान चोर पीछे से छत के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुए। चोरी की वारदात के दौरान घर में मौजूद किसी भी सदस्य को खबर तक नहीं लगी। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना था कि ऐसा लगता है कि चोरी की वारदात के दौरान चोर ने बेहोशी वाली दवा का पूरे घर में छिड़काव कर दिया था, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को शोर शराबे की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। फिलहाल सदर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन चोरी की वारदात के बाद परिवार के लोग दहशत में आ गए। उनका कहना था कि अगर चोर हमला करते तो क्या होता। अब देखना यह है कि सदर पुलिस इस घटना का खुलासा कितनी जल्द कर सकती है। क्या लगता है? ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्री प्लान करा हुआ है, क्योंकि वो आया है, उसने पहले इन्वेस्टिगेशन सीसीटीवी कैमरे में देखा है तो इन्वेस्टिगेशन करा है, फिर वो हमारी तरफ की हमारे घर की साइड तो उसने देखा भी नहीं है, फिर चला गया है। तो ऐसा लग रहा है वो कहीं से आया है, उसे पूरा पता है कि यहाँ पर इनका ये रूम है, यहाँ पर हमें लॉकर में डालना है। अच्छा, तो बस ये सब कुछ है, पूरा प्री प्लान करा, बहुत देर तक रहा भी है, इनको लॉक कर दिया है उसने, उसे कोई डर भी नहीं लगा कि आंगन है तो ऊपर से कोई देख रहा हो, जैसे ऊपर से कोई रैक ही कर गया पहले है। हाँ, पहले लॉकर ही करा गया है उसने, ना कपड़े की खोली है, कोई सी भी नहीं खोली है। अच्छा, केवल एक ही कमरे में गया। हाँ, एक ही कमरे में। हाँ, क्या हुआ, किस तरीके से आया चोर? अभी हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने सीसीटीवी कैमरे में जब सुबह देखा वीडियोस वगैरह प्लेबैक करके, तब पता चला कि वो मतलब सबके घरों में झांकता हुआ आया, हमारे घर में झांका झुकी करी, टॉर्च चलाई, फिर उसने किसी तरीके से दरवाजा खोला, हमारा मेन गेट हाथ हाथ डाल के अंदर आया। अंदर आने के बाद फिर उसने हमारे कूलर में कुछ डाला, जिससे कि हम लोग बेहोश हो जाए, हमें बिल्कुल नींद वींद आ गई और पता ही नहीं चला कि घर में क्या हुआ है। रूम हमारा पूरा बाहर से बंद कर दिया, तौलिया बांधी उसके अंदर, और बिल्कुल आवाज नहीं आई, बिल्कुल आवाज नहीं आई, पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा, सुबह कोई पहचान में आ रहा चोर क्या आप लोगों को, आसपास का है क्या? नहीं, आसपास का तो नहीं है चोर, क्या हुआ आपके यहाँ चोरी हुई है? मेरा लॉकर काट के सारा कुछ चोरी हुआ। अच्छा, क्या क्या चोरी करके ले गए? दो चैन चांदी है, नोटों की गड्डी है मेरी, सोने का जेवर कितना, कितने का? दो चैने हैं। कितने तोला होगा? दो सात तोले करीब। अच्छा, और चांदी? चांदी आधी किलो तो लगभग। और नगद? नगद डेढ़ लाख करीब। के कमरे में घुस गया चोर? चोर घुसा, हमने नहीं देखा। आप लोग सो रहे थे यहीं पे? मैं उधर सामने रूम में थी, दोनों दो बेटे यहाँ। अच्छा, अंदर ही सो रहे, किसी को आवाज नहीं हुई? दोनों बेटों का तौलिया बांध दिया मैंने सुबह, मालूम नहीं पड़ पाई है, सोते के सोते रह गए।